Hello friends, today we will discuss our first poem from 11th class book Hornbill, that is A Photograph by Shirley Thompson. Let's discuss. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and a sea which appears to have changed less, washed in a terribly transient quit. ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है, एक्चुअली स्टेंजा नहीं है, इसमें एट लाइंस है, ऑक्टेव है एक तरह से. इसको हम सकते हैं कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज. कार्डबोर्ड इज ए थिक एंड स्टिफ पीस ऑफ पेपर, गत्ता होता है बेसिकली, दैट इज यूज टू होल्ड ए फोटोग्राफ. फोटोग्राफ फ्रेम फ्रेम में कार्डबोर्ड लगाया जाता है, इसमें एक फोटोग्राफ लगी हुई है. एक फोटोग्राफ को यहाँ पे देखा जा रहा है और फोटोग्राफ में देखकर क्या रिएक्शन आते हैं यहाँ पॉइंट के, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. तो दिस इज द फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ है अबाउट हर मदर एंड हर मदर्स कजन, हर मदर्स टू गर्ल कजन्स की हम बात कर रहे हैं, दो उसकी कजन सिस्टर्स हैं. बेसिकली हम कजन सिस्टर नहीं बोलते, कजन्स ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फीमेल भी बताना है, हम कजन सिस्टर्स यूज कर सकते हैं. कार्डबोर्ड में दिखाया गया है कि फोटोग्राफ है जिसमें पॉइंट्स मदर एंड हर टू गर्ल कजन्स शोन है, दिखाए गए हैं, एंड दे हैव गॉन टू पैडलिंग, और वो पैडलिंग करने के लिए सी बीच पे गए हुए हैं. पैडल करना, शैलो वाटर में पैडलिंग की जाती है, चहलकदमी की जाती है. एंड कंडीशन क्या है, किस तरह से उनको शो किया गया है, इच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, बोथ द गर्ल कजन्स वर होल्डिंग वन हैंड ऑफ पॉइंट्स मदर, पॉइंट्स मदर का एक ही हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है, इस तरह की कंडीशन यहाँ पे शो की गई है. एंड सी द बिग गर्ल, हु इज द बिग गर्ल, द बिग गर्ल इज द गर्ल हु इज द मदर ऑफ पॉइंट, पॉइंट की मदर है वो बिग गर्ल है. अगर हम कहेंगे हु इज शी, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम कहेंगे द मदर ऑफ पॉइंट. सम 12 इयर्स आल्सो एंड शी वाज जस्ट 12 और अबाउट 12 व्हेन दैट फोटोग्राफ वाज टेकन, जो फोटोग्राफ ली गई तो 12 इयर्स की है. ऑल थ्री स्टूड टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और जो थ्री हैं, थ्री गर्ल्स हैं, दे आर स्माइलिंग एंड दे हेयर आर अनकैम्ड स्प्रेड ऑन देयर फेस एंड दे स्माइल स्माइल दे वर स्माइलिंग एंड दिस स्माइल वाज विजिबल थ्रू देयर हेयर. उन बालों के अंदर से भी उनकी जो स्माइल है वो विजिबल है. व्हाई दे आर स्टैंडिंग स्टिल, क्यों स्टिल खड़ी है, वो मोशनलेस क्यों खड़ी है, बिकॉज एट द अंकल विद द कैमरा, बिकॉज दे अंकल इज हैविंग ए कैमरा एंड टेकिंग द स्नैपशॉट ऑफ दिस गर्ल्स, इन गर्ल्स की फोन स्नैपशॉट ली जा रही है, इसलिए वो स्टूड स्टिल है, शांत खड़ी हुई है. अगर हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच की, तो आपने नोटिस किया होगा कि स्टूड स्टिल एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसे बोलते हैं एलिट्रेशन. क्या नाम होते हैं, एलिट्रेशन होता है. और एलिट्रेशन हम कब यूज करते हैं, एलिट्रेशन हम कब यूज करते हैं, जब कोई भी दो वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसी आती है किसी भी लेटर की, अल्फाबेट की, तो उसमें एक फिगर स्पीच होती है, बोलते हैं एलिट्रेशन. लेट मी हैव द मार्क प्लीज, मार्क प्लीज. तो जो एलिट्रेशन है हम उसको यूज कर देंगे. आप स्पेल देखिए, क्योंकि स्पेल बड़ा मुश्किल होता है. This is spelling of alliteration. A-double-I-T-E-R-A-T-I-O-N. यहाँ पे word कौन सा यूज हुआ है, stood still. यहाँ पे S की frequency है, इसलिए यहाँ पे figure speech है वो क्या है, अलंकार. आप हिंदी में जब पढ़ते होंगे आप टेंथ किए होंगे, ये अलंकार है, एक figure of speech है, जिसे हम figure of speech बोलते हैं या literary device बोलते हैं. या तो फिगर ऑफ स्पीच कहा जाएगा या फिर लिटरेरी डिवाइस कहा जाएगा. यहाँ पे एलिट्रेशन यूज किया गया है. एंड देयर स्माइलिंग एज देयर अंकल वाज टेकिंग देयर पिक्चर, क्योंकि पिक्चर ली जा रही है, फोटोग्राफ ली जा रही है और वो स्माइल कर रहे हैं, ए स्वीट फेस. और ये जो पॉइंट है वो बहुत सालों बाद इस फोटोग्राफ को, अपनी मदर की फोटोग्राफ जब जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, उसको वो ऑब्जर्व कर रही है, उसकी फीलिंग्स क्या है, वो फील करती है कि ए स्वीट फेस, 12 ईयर्स का एक इनोसेंट फेस होता है, मदर का फेस बहुत स्वीट फेस था, इनोसेंट फेस
माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड दैट पिक्चर दैट स्नैपशॉट वॉज टेकन बिफोर द पोइट वॉज बॉर्न. पोइट के जन्म से पहले की ये पिक्चर है क्योंकि उसकी मदर ही जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड है. लेकिन वी हैव द फ्रेम्स, वी हैव द फोटोग्राफ्स एंड वी कैन सी व्हेनेवर वी लाइक. हम 100 ईयर्स ओल्ड फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं और अपने रिएक्शन दे सकते हैं. वी फील हैप्पी टू सी दैट. उन्हें देख के हम लोग खुश महसूस करते हैं. That was before I was born. जहाँ आई को यहाँ पे पॉइंट है कि पॉइंट के जन्म से पहले की फोटोग्राफ है. My mother's face वहाँ बताया गया स्वीट फेस है. And the sea which appears to have changeless. और यहाँ पे सी को दिखाया गया है. नेचर का एक सिंबल दिया गया है. सिंबल ऑफ नेचर है सी विच अपियर्स टू हैव चेंजलेस. जो सिंबल ऑफ नेचर होते हैं वो चेंजलेस. दे डोंट शो रैपिड चेंजेस. क्विकली चेंजेस नहीं आते उनमें. इट टेक लॉन्ग टाइम टू मेक देम चेंज और गेट चेंजेस. चेंजेस आने के लिए बहुत समय लगता है. मोस्ट एंड डायरेक्टली ट्रांजिएंट फिट. यहाँ देखिए जो सी है परमानेंट है. ऑलमोस्ट परमानेंट कह सकते हैं. सिंबल ऑफ नेचर है, जल्दी चेंज नहीं होगा. और ह्यूमन बीइंग है तो एक ट्रांजिएंट नेचर का क्रिएचर है. ट्रांजिएंट मतलब मोमेंटरी, क्षण मामूल से बोलते हैं. बहुत जल्दी हम अगर हमारी प्रोसेस देखें तो अराउंड 60 और 70 ईयर्स का हमारा लाइफ स्पैन होता है. उसमें हमारा बर्थ से लेकर हमारी डेथ तक हो जाती है. और अगर आप सी में देखें ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे इन सालों में. तो हम टेरिबली एक्सट्रीमली ट्रांजिएंट है, मोमेंटरी है, क्षणिक है. और जो सी है जो परमानेंट सोर्स है वो हमारे फिट यानी जो पॉइंट की मदर है और कजन है वो तो शैलो वाटर में खड़े हुए, कम गहरे पानी में खड़े हुए हैं. तो ऐसा लग रहा है कि वो उनके फिट को वॉश करें. यहां पर देखिए टेरिबली ट्रांजिएंट, दो वर्ड फिर से आ गए टेरिबली ट्रांजिएंट. फिर से एक बार देखो कि फर्स्ट ऑक्टेव यू कैन सी ऑफ द पोएम फोटोग्राफ बाय शीला डॉसन. लेट्स मूव टू द सेकंड. सम 20-30 इयर्स लेटर इस पिक्चर को कब ऑब्जर्व किया जा रहा है. सम 20-30 इयर्स टाइम इज नॉट गिवन हियर. Some 20 or 30 years, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है. When the poet observes the photograph, she would laugh at the snapshot. तो जो snapshot देखकर जो poet है, she would laugh. It looks quite strange. See Betty and Dolly. She would see and look how they dress us for the beach. यहाँ बताया गया कि क्यों sea beach पे गए हुए हैं. They went there to spend their holiday at the sea beach. तो sea beach पे है तो जो costume है वो भी bathing costume होगी. यह अच्छी बात है. तो यहाँ पे बेटी और डॉली को देख रहा उसने और यह देख सी कि how they are dressed. बेटी डॉली जो cousin है उसकी mother की cousin है. poet's mother's cousin है ये बेटी डॉली. वो कैसे dressed किया हुआ है. how their parents have them got them dressed. कि किसने उन्हें dressed किया गया, कपड़े पहनाए गए sea beach के लिए. तो जो manner है वो quite curious है, थोड़ा अजीब है. तो उस पर laugh करती है, हंसती है. The sea holiday was her past. The sea holiday was when they went to spend their sea holiday at the beach. It was their past. Past की बात होगी poet mother के लिए. Now she has grown up or maybe she might have died. शायद grown up हो गई या उसकी मौत हो चुकी हो. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. And for me, her laughter. For me, her laughter is a thing of past. यहाँ पे लाफ्टर थिंग ऑफ पास्ट कैसे हो गया. इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन हर मदर हैज डाइड. चलो उसकी मदर एक्सपायर हो चुकी है तो ये जो लाफ्टर है वो उसे नहीं देख पाएंगी, दोबारा उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकती. फिजिकली की बात करें तो माइंड इज हर लाफ्टर. उसके लिए जो यूथफुल स्पिरिट थी पोएट मदर के लिए, जो यूथ था, जो यूथफुल स्पिरिट थी वो खत्म हो चुकी है क्योंकि अब वो ग्रोन अप हो गई होगी. और अगर लाफ्टर की बात करेंगे वो नहीं नया रहा है. और पोएट की मदर के लिए एक अलग चीज है. पोएट की मदर्स की हम बात करें तो शी हैज लॉस्ट हर चाइल्डहुड एंड यूथफुल स्पिरिट. जब बड़े हो जाते हैं तो यूथफुल स्पिरिट है हमारी, जवानी वाली बातें हैं और इनोसेंस होता है चाइल्डहुड का, वो हम लॉस कर देते हैं. और कोई कैरेक्टर अगर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसे भी लॉस कर देते हैं. तो
दोनों के लिए, दोनों ही अपनी चीजों को भूलने की कोशिश कर रही है। जो पॉइंट है अपनी मदर को भूलने की कोशिश कर रही है, बिकॉज शी इज नो मोर, दे आर मेकिंग लॉट्स ऑफ लेबर टू ईज दिस प्रेशर, ईज दिस स्ट्रेन, इस स्ट्रेन को, इस परेशानी को कम करने के लिए वो प्रयास कर रही है। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। तो यहां पे कंडीशन क्या है कि शी इज बीन डेड, इस पॉइंट्स मदर है वो हैज ऑलरेडी डेड एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। जितने साल इस लड़की की उम्र है, नोट एज इज नोट गिवन प्रॉपरली, कितनी वर्ष इस लड़की की उम्र है और कितने साल उसे मरे हुए हो गए हैं, ये जो मिस्टीरियस बन जाता है एक तरह से, रहस्य में ये चीज हमारे पास बन जाती है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, द सर्कमस्टेंस ऑफ द डेथ ऑफ पोएट्स मदर, पोएट की मदर की डेथ हो चुकी है और वी हैव नथिंग टू गैस अबाउट, और जब हमारे पास कुछ गैस करने के लिए नहीं होता, बताने के लिए होता, मतलब वो एक चीज मिस्टीरियस बन गई है, रहस्यमय बन गई है, मिस्ट्री रह गई है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अ पोएट हैज नथिंग टू से अबाउट दिस एट ऑल, शी हैज नॉट इन्फॉर्म्ड अस, वी रीडर कांट गेस एनीथिंग। तो हमारे लिए मिस्ट्री चीज है ये, इट्स साइलेंस, साइलेंस, और अब क्या है, साइलेंस और साइलेंस। तो हमारे पास साइलेंस है, वो म्यूट है बिल्कुल, बोलना नहीं चाहती उसके बारे में, या शी इज इग्नोरेंट अबाउट इट, व्हाट हैज हैपेंड टू हर, हाउ शी डाइड, व्हाट वाज द एज ऑफ हर मदर व्हेन शी डाइड, ये सब चीजें मिस्टीरियस बनाते हैं, आपको मिस्टीरियस बनाते हैं। याद रखिए साइलेंस, साइलेंस यूज किया है, ग्लोबल साइलेंस यूज कर दिया है, तो चाहे तो आप यहां भी रिपीटेशन यूज कर सकते हैं, रिपीटेशन हम नहीं कहेंगे क्योंकि दो बार में रिपीटेशन नहीं हो सकता, एटलीस्ट थ्री टाइम्स हो सकता है, और अगर रिपीटेशन नहीं है अवेलेबल तो आप रिपीटेशन भी कह सकते हैं। दिस इज वेरी स्मॉल पोएम by Shirley Dawson. I hope you have got it. That's all for today. We will discuss something else in our next video. Thank you.